डेली हमारे 8 आवर्स में 4 to 5 पेशेंट हम लेके आते हैं। 24 आवर्स हमारा ड्राइवर लोग रहते हैं। कॉल आ गया तो विदिन 5 मिनट्स से गेट के बाहर होना चाहिए गाड़ी। मेरा नाम मॉरिस लोबो है। मैं 45 ईयर्स से काम कर रहा हूँ ड्राइविंग का, और ओलिस रोड हॉस्पिटल में 33 ईयर्स से ड्राइव कर रहा हूँ। एम्बुलेंस ड्राइविंग करना मेरे को बहुत पसंद आता है, क्योंकि किसी का जान बचाना मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम है वो। इतना आसान नहीं है पेशेंट लाना और उसको हॉस्पिटल तक पहुँचाना, बहुत डिफिकल्ट है। सोसाइटी के अंदर जो भी रहते हैं, दोनों साइड पार्किंग रहता है, गाड़ी वहाँ तक जाती नहीं है, तो हम रोड गेट पे गाड़ी खड़ा करके पेशेंट को टॉप से बॉटम तक लेके आते हैं, 7th फ्लोर से 8th फ्लोर, क्योंकि उसका जान को बचाना हमारा फर्ज है। 1 किलोमीटर आने के लिए 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं। ऑन बजाते हैं, सब कुछ चालू रहता है, हेडलाइट चालू रहता है। जब हमको मालूम है कि अभी मूव नहीं हो रहा है ट्रैफिक, तो हमारा रिस्क से हम रॉन्ग साइड से आते हैं, और कैजुअलिटी का डॉक्टर के अंडर हम ले देते हैं उनको। बाकी का तो डॉक्टर देखेंगे, पर वो हो सकता है उतना एम्बुलेंस वाले हम लोग करते। वेरी डिफिकल्ट टू ड्राइव बॉम्बे इन द ट्रैफिक, क्योंकि बम्पर टू बम्पर जब भी ट्रैफिक रहता है, बड़ा गाड़ी आप इतना मूव नहीं कर सकते कि उधर के इधर, आपको चारों तरफ आपकी नज़र घूमना चाहिए। तो उस टाइम में कभी कभी इंसिडेंट भी होता है, क्योंकि सामने वाला कोई हॉट टेम्पर रहता है, वो आके गाड़ी रुका देता है हमारा, आपको दिखाई नहीं देता है क्या। हम बोला हम किसी का जान बचा रहे हैं, हमको इतना टाइम नहीं है कि हम आपको देखें। कोई गाली देगा तो भी गाली खाना पड़ता है, क्योंकि हमको रुक के उसको गाली नहीं दे सकता है, उसको कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारा गाड़ी में पेशेंट है। कोई कोई समझदार लोग भी है, ऐसा नहीं है कि सभी गलत है। ज़्यादा डिफिकल्ट तो ऑटो वालों से और बाइक वालों से, क्योंकि वो सामने आके खड़े हो जाते हैं। पानी भरता है, जब भी हम देखते हैं कि गाड़ी हमारे इसमें से पास होएगी क्या नहीं होएगी, गाड़ी समझो ब्रेक डाउन हो गए तो हम कुछ कर नहीं सकते। फिर पानी के अंदर जैसा सेफ्टी मिले वो हिसाब से हम उसको ड्राइव करके कैसा भी लेके आते हैं निकल के। पब्लिक को यही बोलना रहता है, जब भी एम्बुलेंस सायरन बजा के आता है, लाइट लगा के आता है, उस टाइम में थोड़ा अपना सोच चेंज करके उसको जल्दी से जल्दी साइड दे दे, क्योंकि वो जल्दी निकल जाए तो बेहतर होएगा, क्योंकि किसी का जान बचेगा।